तो गाइज आपके सामने है हीरो ग्लैमर जो कि BS3 मॉडल है। तो आप देख सकते हो भाई बाइक का कंडीशन एकदम नया जैसा है, न्यू कंडीशन में है बाइक। तो भाई ने बोला भाई ये जो बाइक है इसमें लाइट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए इसमें आज हम फॉग लगाएंगे। तो वो जो फॉग है पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था हेवी ड्राइव और मिनी ड्राइव जो फॉग है वही फॉग इंस्टॉल करूँगा। यहीं पर इंस्टॉल होगा क्लैम्प के साथ, यहीं पर एक होगा और दूसरा होगा यहीं पे, ठीक है, क्लैम्प के साथ इंस्टॉल होगा। तो चलो पहले मिनी ड्राइव एक बार देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको हेवी ड्राइव और मिनी ड्राइव क्या होता है। तो 8JG का मिनी ड्राइव है, बहुत सारा माल डुप्लीकेट आ गया है मार्केट पे। आप जब ये परचेस करना बहुत ध्यान से परचेस करना, आपको देख के नहीं मालूम होगा क्योंकि बॉक्स भी सेम है और प्रोडक्ट जो लाइट जो है वो भी सेम है, ठीक है। आपको फोकस आप जलाने के बाद आपको मालूम हो जाएगा ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ठीक है। उसका डुप्लीकेट जो होता है वो उसका फोकस बहुत ही कम है। तो चलो पहले वो लाइट देख लेते हैं। तो चलिए पहले वो जो मिनी ड्राइव है वो देख लेते हैं। मिनी ड्राइव को निकालो इसे। तो ये है मिनी ड्राइव, तो लिखा ही है आप देखो। और डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है सेमी बॉक्स में आता है, आपको फर्क नहीं मिलेगा। लाइट जलाने के बाद आपको मालूम होगा कि ये डुप्लीकेट है। आप जो भी शॉप से ये परचेस करेंगे उनके जाके बोलना भाई मुझे ओरिजिनल देना, तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। तो ये देखते हैं, ये एक है, ये और एक है, और ये दोनों लाइट का क्लैम है और ये पे नट वगैरह एलंकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलो पहले एक बार लाइट जला के दिखा देता हूँ। एक लाइट जलाओ, लाइट जला के एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो इसका पावर भाई, बहुत पावर है, आप देख सकते हो। ये देखो जलाओ, वाइट जलाओ। तो ये है वाइट, ठीक है, ये देखो। तो ये लाइट बहुत ही जबरदस्त पावर है, आपको नाइट में भी दिखाऊंगा। और ये लो जलाओ, ये देखो ये लो, जितना दूर जाएगा तो उतना फोकस बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये देखो। तो चलो फिट करते हैं ये वाले ग्लैमर में। तो ये दो लाइट फिटिंग करने के लिए ये दो क्लैम लगेगा, ये क्लैम अलग से परचेस करना पड़ता है। तो और दो नट लगेगा 10 नंबर का जो यहीं पे उसके ऊपर फिट होगा। तो चलो देखते हैं कैसी ये हम फिटिंग करते हैं। तो पहले मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये जो लेग गार्ड है इसमें हम फिटिंग करेंगे तो इसमें एक रबर का टेप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो लाइट हिलता है तो बहुत साउंड होता है इसीलिए। तो गाइस ये जो सारा टूल्स आप देख पा रहे हो ये, तो गाइस ये जो सारा टूल्स आप देख पा रहे हो ये एक स्विच देख पा रहे हो, ये स्विच में हम फिटिंग करेंगे। ये 2 घाट का स्विच है, आप देख सकते हो, मिडिल में जाके बंद हो जाएगा, नीचे से व्हाइट होगा, ये येलो होगा और ऊपर से भी होगा, कोई एक होगा। तो ये इसका दूसरा क्लैम और दोनों एक्स्ट्रा जो क्लैम है, दोनों लाइट है और ये नट वगैरह और ये किट। देखिए कैसे ये फिटिंग करता हूँ, संभव फिटिंग करो जल्द से जल्द। आप एक फिटिंग करना देख लो, दूसरा हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत ही ईजी काम है और कनेक्शन भी हम दिखाएंगे। तो देखिए, और इसका जो लाइट होने वाला है ना भाई, एक नंबर लाइट होने वाला है, आपको नाइट में तो टेस्ट करके दिखाऊंगा और बहुत ही ज़बरदस्त लाइट होने वाला है। तो देखो कैसे फिटिंग कर रहे हैं। तो ये जो नट बोल्ट जो आप देख पा रहे हो, वॉशर वगैरह सब आपको फाइल में आता है, ठीक है, ये जो फाइल है ये फाइल में आता है। ये देखो पाती के साथ कैसे फिटिंग हो रहा है, ठीक है, ये देखो बहुत इजी काम है। ऐसे नीचे वॉशर लगा लो, उसके बाद हाँ ये 14 नंबर नट है। तो आप तो जानते ही हो मेरा हिंदी बहुत ही खराब है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर लेना। और एडजस्ट तो कर रहे हो भाई, ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप सभी को। तो देखिए ऐसे फिटिंग होता है, ठीक है, जो रॉड होता है इसमें, हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है, ये हो। तो आप दूसरा फिट कर लो जल्द से जल्द, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। और गाइज आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये देखो ये हम कुछ रबर का पैड हम यहीं पे लगाएंगे, उसके बाद ये हम फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो
ऐसे ही रबर के साथ हम पैडिंग कर रहे हैं क्योंकि वो भी मेटल का चीज़ है, बहुत ही नॉइज़ आता है, तो इसीलिए हम ये जुगाड़ करके रखा था। तो अब देखिए, तो एक साइड का काम हो गया और दूसरा साइड का काम करते हैं। तो गाइस, ये जो स्विच है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का स्विच है, बहुत ही अच्छा स्विच है, इतना जल्द से जल्द ख़राब भी नहीं होता है, वाटर प्रूफ स्विच है। तो ये स्विच यहीं पे फिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, स्विच तो परफेक्टली यहीं पे इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा फिटिंग्स हुआ है। अभी लाइट फिटिंग्स कर लेते हैं, तो देखो कैसे फिटिंग होता है। तो गाइस देख सकते हो प्रॉपरली यहीं पे भी फिटिंग्स हो गया है और यहीं पे भी फिटिंग्स हो गया है। अभी इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए ये जो हेड लाइट है इसको ओपन करना होगा। तो आप देखिए यहीं पे एक इस साइड, देखो एक इस साइड, दो और नीचे देखो इधर एक है और उधर एक है, चारों, हाँ चारों स्क्रू ओपन करना होगा और सामने एक 10 नंबर वाला नाट है, उसको ओपन करने से ये हेड लाइट हाथों में आ जाएगा। तो देखिए कैसे हेड लाइट ओपन करते हैं। तो गाइस हेड लाइट तो हाथों में आ गया है, तो पहले इसको साइड में रख देते हैं और इसका जो वायर है अच्छे तरीके से टाई के साथ हम फोंड में ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करता हूँ, देखिए। तो देखिए पहले इसका जो वायर है, इसको वायर को लेके आते हैं इसके नीचे से, देखिए। तो आप देख सकते हो इसके अंदर से हम वायर को ले आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हो गया, उस वाले को ले गया सेम जगह पे, हाँ यही से लेके, यही से। तो दोनों आ गए हैं। अभी ये जो स्विच का वायर है, स्विच का वायर को भी इसके अंदर से लेके जाते हैं। भाई काम होना चाहिए साफ सुथरा, ठीक है। तो अब देखिए बस आ गया है तीनों वायर, ठीक है। तो ये है स्विच का वायर, आप देख सकते हो, और ये दोनों एलईडी का दोनों वायर। तो चलिए कनेक्शन देख लेते हैं, वायर सेम है तो दोनों एलईडी का जो लाइट है, दोनों एलईडी का लाइट सेम ही वायर है, इसीलिए पहले इसको सेम वायर के साथ हम जोड़ लेते हैं, ब्लैक के साथ ब्लैक, येलो के साथ येलो और रेड के साथ रेड, ठीक है। फर्स्ट काम आपका वही होगा, ये देखो। तो आपका तो ये काम कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों एलईडी का वायर है। तो ये देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो स्विच है, ये स्विच का आपको मेन लाइन ढूंढना होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप चाबी जितने बार दोगे, लाइन जितने बार आएगा, तो आपका गाड़ी का फ्यूज़ उतने बार उड़ता जाएगा। तो ये जो स्विच है, ये तो सब चाइना स्विच है, ये चाइना का गारंटी नहीं है भाई, ये इसमें मेन लाइन आता है, आप समझ नहीं पाओगे। मेन तो हमेशा रेड में आता है या ब्लू में आता है, लेकिन भाई ये ब्लैक कलर का वायर में आता है। लेकिन देखो ये जो स्विच है, सेमी स्विच है, ये स्विच में ये रेड में मेन लाइन आया है, ठीक है। तो आपको स्विच के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा मेन लाइन कौन सा वायर में आपको मेन मिलेगा, नहीं तो आपको बाइक का फ्यूज़ उड़ता रहेगा। तो मुझे ये मेन फंडा मैंने आपको बोल दिया है। तो अभी बाइक का मेन लाइन लेना है, मेन लाइन लेंगे हम ये चाबी स्विच, यानी आप बोल सकते इग्निशन से। तो ये इसका इग्निशन लाइन, तो ये देखो, ये रेड कलर का वायर के साथ हमको छेड़छाड़ी नहीं करना है, ये जो ब्लैक और रेड कलर का वायर है इसके साथ हम लाइन लेंगे। तो ये स्विच का मेन लाइन मुझे ये ब्लैक कलर का वायर के साथ मिला है, ठीक है। तो ब्लैक कलर का वायर के साथ हम इग्निशन से लाइन लेंगे, इग्निशन पे जोड़ दो भाई। तो ये देखो आपका पहला काम कंप्लीट हो गया, पहले मेन लाइन में टेप कर देते हैं। तो ये देखो पहले टेपिंग कर देता हूँ, क्योंकि इधर उधर टच हो जाने से फ्यूज उड़ जाएगा। तो पहला काम हो गया आपको, अभी टेपिंग कर रहे हैं।
तो गाइस मेन काम तो आपको हो गया, स्विच का मेन के साथ बाइक का जो इग्निशन लाइन मेन हो गया है। अभी देखो स्विच में दो वायर है, ठीक है। तो आपको ये जो ब्राउन वायर है आपका सेकंड काम, देखिए ये जो ब्राउन वायर है ये एलईडी का रेड वायर में आपको जोड़ देना है। ये देखो जोड़ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करना और कमेंट करना। और ये जो दूसरा वायर है स्विच का ब्लू कलर का वायर, ये येलो वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। हो गया आपका टोटल काम लगभग ख़त्म, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करना, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ये टेप कर लो भाई। तो लगभग आपका काम फिनिश हो गया, दो वायर के साथ दो कनेक्ट हो गया। अभी बाकी है ये देखो, ये एलईडी का ब्लैक कलर का वायर, इसको आपको अर्थिंग में दे देना है, ठीक है। अभी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये अर्थिंग में यहीं पे टच करो, अभी देखो चाबी ऑन, ये देखो चाबी ऑन किया है। अभी ये स्विच अभी नीचे देने से ये देखो व्हाइट लाइट जल रहा है, आप देख सकते हो व्हाइट लाइट जल रहा है। और स्विच को मिडिल करने से बंद हो जाएगा और ऊपर देने से येलो लाइट जल रहा है। तो चलो फिटिंग कर लेते हैं, इसके बाद दिखा देते हैं। तो गाइस अभी तो नाइट हो गया है, तो चलो लाइट देख लेते हैं। अभी मैं ये देखो गाइस, गाइस आप सोच सकते हो गाइस से वाओ गाइस, इतना सारा लाइट है ना आप समझ नहीं पाओगे। ये देखो इतना सारा लाइट है देखो, ठीक है। अभी ये राइट से फ्लोर है और ये लेफ्ट से फ्लोर है। अब लाइट देखो गाइस, ठीक है, इतना सारा लाइट है देखो। अभी ये वाइड में है, अभी ये येलो में कर रहा हूँ, ये देखो देख सकते हो गाइस कितना सारा लाइट है। ये तो ओनली फॉर येलो है, ठीक है, बहुत पावर है इसमें। और एक बार लाइट देख लो गाइस, एक मिनट, ये देखो गाइस देख सकते हो भाई कितना सारा लाइट है। तो गाइस आप देख सकते हो अभी तो टोटली येलो में है। चलो चलो धीरे धीरे चलो, अभी येलो है, अभी व्हाइट जला रहा हूँ देखो, ठीक है। ये देखो गाइस देख सकते हो गाइस कितना सारा लाइट है देखो। तो आप ये आराम से लगा सकते हो, ठीक है, आराम से लगा सकते हो। इसका प्राइस भी उतना नहीं है, ये आप आराम से लगा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपको ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है। बहुत सारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट आ गया है। तो ठीक है गाइस, हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे कोई धमाकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।